जो लोग मोटे हैं सोचते हैं एक दिन डाइट करेंगे और पतले हो जाएंगे, नेक डिटॉक्स कर लेंगे, तो भाई कान खोल कर सुन लो, अभी उठो, अपने आप को शीशे में देखो, आप मोटे अच्छे नहीं लगते। तो आज से ही मेरे साथ अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें। डाइट का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा दिन भूखा रहना है, हर 3-3 घंटे में खाएं थोड़ा थोड़ा करके। तो चलो आज मैं पूरा दिन का दिखाने वाली हूँ, मैंने पूरा दिन क्या लिया। Hey everyone, welcome back to my channel. तो आज डे 24 है और कल यार मुझे इतने अच्छे से कमेंट्स आते हैं ना, मैं सोचती हूँ मतलब मैंने वॉइस नहीं डाली थी, अपनी म्यूजिक डाल दिया था, तो कमेंट्स में आया थी अपनी वॉइस जरूर डाले करो। कमेंट्स किस किस के थे, वो किस किस के थे, सैयद क्या नाम था, जो भी मैं स्क्रीन में मेंशन करूंगी मैं भूल गई। अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट्स आते हैं और मोटिवेशन मिलती है मुझे। और ज़्यादा बकबक ना करते हुए चलो मैं आपको अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक और ब्रेकफास्ट का मैं दिखा देती हूँ। चलो अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक मैं सुबह 7 बजे ले ही लेती हूँ। तो आज मैंने दालचीनी यानी सिनेमन स्टिक वाटर ले रही हूँ हल्का सा वार्म करके। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था आज सैंडविच, साथ में है चाय यानी मिल्क टी। और सैंडविच जो बनाया मैंने एग सैंडविच बनाया है, ये आज बच्चों को दिया था बना के, मैंने सोचा चलो आज मैं भी यही खा लेती हूँ, तो इसलिए सैंडविच बन गया। बाकी सुबह सुबह मैं सोचती हूँ क्या ही अपने लिए यार करूँ, वही अंडा सिंपल सा ब्राउन ब्रेड के साथ खा लेती हूँ, वाइट ब्रेड मैं नहीं लेती, अवॉइड करती हूँ। और उससे बेहतर है आप रोटी खा लो घर की, और कैलोरीज भी कम होंगी और आपका वेट भी गेन नहीं होगा, और साथ में गड़बड़ी भी नहीं होगी पेट में। मिड मॉर्निंग स्नैक में 11:30 कर लेती हूँ, ये है रेड जूस। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आगे बताती हूँ। अच्छा जी, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर आने वाला है और विंटर्स आने वाले हैं, मुझे बहुत पसंद है विंटर्स। बताना किस किस को विंटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा मैंने एक चीज़ देखी है कि समर्स में मेरा इतना वेट नहीं जाता जितना मेरा विंटर्स में जाता है, क्योंकि 2 बार मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी तो दोनों बार मेरे विंटर्स में बहुत अच्छे से वेट लॉस हुआ था। 16 kg मैंने वेट लॉस करा था विंटर्स में और बहुत अच्छा रिजल्ट मिले थे उस टाइम, वो क्यों मुझे नहीं पता। ये ज़रूर हो सकता है कि विंटर्स में मैं गर्म गर्म चीज़ें ज़्यादा लेती हूँ, जिंजर टी ग्रीन टी वगैरह 3-4 बार ले लेती हूँ, तो शायद बॉडी में हीट रहती हो और वॉर्म वॉर्म कपड़े पहने हुए होते हैं हम लोग, जैकेटें वगैरह, तो इसलिए मेरा वेट लॉस होता हो ज़्यादा। और बाकी समर्स में इतनी सारी गर्म चीज़ें हम नहीं लेते और ज़्यादा मुझे पसीना नहीं आता, बस किचन में जो आता है वो आता है, बाकी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती जो कैलरी बर्न हो या पसीना आए, तो ऐसा कुछ नहीं। तो बस यही सोचती हूँ शायद मैं गर्म गर्म चीज़ें ज़्यादा लेती हूँ इसलिए मेरा विंटर्स में ज़्यादा वेट जाता है। लेकिन कहते हैं वुमेंस का जो वेट लॉस जर्नी करती हैं, वेट लॉस वजन कम करना चाहती हैं, उनका समर्स में ज़्यादा जाता है, लेकिन मेरे साथ हमेशा बहुत सी बातें ऐसी उल्टी होती हैं मेरे साथ। तो यही एक बात नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो उल्टी हैं मेरे, मतलब मेरे लिए लोगों को कुछ सूट करता है लेकिन मेरा उससे उल्टा होता है सब कुछ। और यहाँ मेरे इतने हाथ जले हुए हैं ना, बहुत सारे हाथ जल गए मेरे, यहाँ से ये जला ये जला ये जला, पता नहीं क्या हो गया हाथ जले जा रहा है। हाँ तो बस आप ना जूसेस को ऐड ज़रूर करना अपनी डाइट में, विंटर्स में रेड जूस ज़रूर लेना, ग्रीन जूस बालों के लिए स्किन के लिए रेड जूस अच्छे से ग्लो देगा। आज मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक अभी मैं दिखाऊंगी, मैंने क्या लिया था, चुकंदर घिया थोड़ा सा और आंवला लिया था, बड़ा था तो इतना हाफ ले लिया था मैंने, और 1 एप्पल डाला था इसमें। अगर आपके पास कैरेट है कैरेट भी डाल सकते हैं, 1/2 टमाटो, बहुत अच्छा रहेगा विंटर्स में डेली मिड मॉर्निंग स्नैक में आप लो, अच्छा रहेगा, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, स्किन अच्छी होगी और वेट लॉस के लिए तो भाई है, बहुत सारी चीज़ों के लिए, बालों के लिए आंवला बहुत अच्छा है। अक्सर वेट लॉस जर्नी में लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, बाल झड़ते हैं को किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी के बाल झड़ते हैं। मैं कहती हूँ बहुत से लोगों का ये मानना है कि भाई भूखे रहने से वेट लॉस होगा और हम कुछ नहीं खाएंगे तो मतलब अच्छे से वेट लॉस होगा, यकीन करना अगर आप ऐसे करने वाले हो, अगर भूखा रहोगे रात का नहीं खाओगे या दोपहर का नहीं खाओगे खाना, आपको मतलब इतनी वीकनेस हो जाएगी, डार्क सर्कल आ जाएंगे, स्किन ना ऐसी लगेगी डल डल, मतलब कोई नूर ही नहीं होगा चेहरे पे। तो मतलब खाओ, लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ, हेल्दी खाओ, घर में बनाओ, कम ऑयल से बनाओ, ऑलिव ऑयल से बनाओ, बहुत सारे ऑयल आते हैं, अगर नहीं बना सकते तो देसी घी बना लो, मंगा लो 1/2 टी 1/2 से 1 स्पून देसी घी लो। मैं तो भाई ज़रूर लेती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में, मैं लेती हूँ और सही रहता है, सबको लेना चाहिए, आपकी हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए देसी घी अमृत है। तो डाइट करते वक्त ज़रूर लें, ज़रूर 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 इंक्लूड करें अपने ब्रेकफास्ट में, ले ब्रेकफास्ट में, लंच में नहीं ना डिनर में, वरना वेट गेन हो जाएगा, फिर आपको कहोगे दी ने तो हमसे बोला था, मैम ने तो हमसे बोला था सिर्फ ब्रेकफास्ट में लेना है। और चलो लंच का दिखा दूँ पहले, लंच में क्या लिया था मैंने, तो चलो मैं आपको अब अपना लंच दिखाती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये क्या लिया है, दी ने ये क्या लिया है, बिरयानी। तो भाई क्वांटिटी देख लो कितनी ली है मैंने, और इसके साथ बाद में मैंने सैलेड भी खाया था, वीडियो स्किप हो गई है, खीरा लिया था मैंने एक पूरा, और ये रहा मेरा लंच।
तो मैं बिरयानी भी खा लेती हूँ कभी कभी, जो होता है घर में अभी मैं वही ले रही हूँ। तो मैंने बिरयानी ली है, चिकन बिरयानी लिमिटेड क्वांटिटी में ली है और ये बॉइल्ड राइस की थी। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम कुछ भी नहीं खाएं, बॉइल्ड खाना है हमें। हाँ, अगर कोई फास्ट वेट लॉस करना चाहता है तो अभी ये चीज़ें आप सबको इग्नोर करनी पड़ेगी। अभी मैं थोड़ा स्लो कछुए की तरह दौड़ना चाहती हूँ, तो सही है वो मेरे लिए। अगर आप मेरे से डाइट लोगे तो मैं तो ये सब चीज़ें नहीं बताने वाली, बिरयानी वगैरह। हाँ, राइस ज़रूर दूंगी, लेकिन बिरयानी वगैरह को अवॉइड करना, क्योंकि 1 मंथ है आपके पास वेट लॉस करने के लिए मेरे से। बाकी आपको नहीं पता बाद में आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। बाकी सुखदीप, पॉलिन, सुरक्षा, अक्सा बहुत अच्छे से वेट लॉस कर रहे हैं। मैं वेट अपडेट उनका लेती रहती हूँ मैसेज करके, बहुत अच्छे से जर्नी कर रहे हैं ये लोग भी। बस पोलिन जी का थोड़ा कछुओं की तरह भाग रहा है, मतलब उनका भी अच्छे से वेट लॉस कर दे जल्दी जल्दी, वो भी अपने टारगेट पे पहुंच जाए। और मैं कितना ज़्यादा बोल रही हूँ, चलो मैं जल्दी से फटाफट इवनिंग स्नैक दिखा दूँ आपको। इवनिंग स्नैक पे मैंने 1 एप्पल कट कर लिया था। आप कोशिश करना मिड ब्रेकफास्ट में इसे लें या सॉक नट्स ले लें इसके बदले, क्योंकि ये गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देता है, तो इसलिए शाम में रात में अगर आप वहाँ एप्पल भी लेते हैं ना, तो डिनर में प्लीज़ अवॉइड करना एप्पल को। उसके जो छिलका होता है ना, उससे ना गैस बनती है। मुझे लगता है कि सेब जो है रात का फ्रूट है, मीन मॉर्निंग स्नैक में बिल्कुल बेस्ट टाइम है वो मॉर्निंग में। अगर आप एप्पल लेते हो ना ब्रेकफास्ट में, उसके ऊपर दूध पी लो, बहुत अच्छे से मतलब ग्लो आता है चेहरे पे, और क्या कहते हैं, खून भी बढ़ता है। हाँ, मैंने ये सुना था खून भी बढ़ता है, बहुत अच्छा रहता है। तो मिड मॉर्निंग में या ब्रेकफास्ट में, मतलब पहले ब्रेकफास्ट से पहले एक एप्पल ऊपर से दूध पी लो, हैवी हैवी भी हो जाएगा, फुल हो जाएगा। उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक ले लो, उसमें ले लो एप्पल। अगर ब्रेकफास्ट में नहीं लेना चाहते आपको भी मेरी तरह ब्रेड, अरे हाँ एक बात और, एक कमेंट आया था मेरे पास डिटॉक्स डाइट वाला, मैंने डाला था ना वीडियो कि आप हेल्दी डाइट के बारे में बोल रहे हो डिटॉक्स डाइट के बारे में, लेकिन आप तो खुद से ब्राउन ब्रेड ले रहे हो। तो जी मैं यही करती हूँ डिटॉक्स डाइट, मुझे मालूम है। उस मंडे को मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया था डिटॉक्स डाइट, उनका वेट बहुत अच्छे से गया, वो मैं कल वीडियो में दिखाऊंगी उन सबका वेट कितना कितना गया था डिटॉक्स डाइट करने से। और हाँ, मैं मतलब मुझे बचपन की आदतें, मैं ब्रेड वगैरह चाय वगैरह नहीं छोड़ सकती, नहीं मुझसे छोड़ जाता, सर में दर्द हो जाता है पूरा दिन, तो इसलिए मैं खा लेती हूँ। बाकी जो भी है, जो लोग नहीं पीते, चाय की क्रेविंग्स नहीं होती, ब्रेड की क्रेविंग्स नहीं होती, तो भाई उनको मैं फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट सैलड या स्मूदी वगैरह देती हूँ। अपने क्लाइंट्स को भी मैंने वही दिया था और अच्छे से वेट लॉस भी करा उन्होंने, तो मेरा इसी से काम चल जाता है, अच्छे से बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ, उससे यूरिन पास होता है, बॉडी डिटॉक्स होती है, जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो सब निकल जाते हैं और यूरिन के जरिए। तो बस इसलिए, और अच्छा लगा कमेंट करा आपने, मतलब मुझे ज़रूरी था ये बताना। मैं पहले भी वीडियो में बताया है काफ़ी बार, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनको भी बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं रिपीट कर दिया। और थैंक यू कमेंट के लिए। और जी चलो डिनर का दिखा देती हूँ, डिनर में मैंने क्या लिया था। शाम के टाइम में जयान के साथ निकल गई थी बाहर कुछ सामान लेने घर का, तो यहाँ मुझे और कैलॉग्स के कैप प्लस दिखे हैं। मैंने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। असल में आजकल ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मील को प्रिपेयर करने में, तैयार करने में अपना अलग से, क्योंकि फैशन है नहीं, सामान लाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वरना वो मुझे हमेशा सामान ला के देते हैं, जब ऑफिस से आते हैं तो लेते हुए आते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज ये ट्राई कर लेते हैं, और इसका 2 वीक का या 1 वीक का जो भी रिज़ल्ट होगा आपके साथ शेयर करूँगी। और बस ये है, इसको दिन में 2 बार लेना होता है, बट मैं यहाँ 1 टाइम लेने वाली हूँ। और चलो ये रहा मेरा डिनर। तो मैंने सोचा क्यों ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, नहीं मैं मील मतलब कर पाती अपना अच्छे से, नहीं कर ले पाती, नहीं बना पाती घर के कामों की वजह से। तो मैंने सोचा चलो कैलॉग्स का ये ट्राई कर लेते हैं, इसका टेस्ट तो मुझे अच्छा लगा, मैं ले सकती हूँ इसको। बट ब्रेकफास्ट में मैं कोशिश करूँगी मैं इसे लूँ, लेकिन नहीं, क्या करूँ, वही बचपन की आदत है, वही लेना पड़ेगा, बचपन की आदत जाती नहीं है आसानी से। और बस मतलब 1 मील मैं इसका रखूँगी, या तो लंच या डिनर, इन दोनों में से कोई एक टाइम मैं लूँगी, ठीक है। और चलो यही कर देते हैं एंड आउट। चलो कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा। चेक करो हाँ वीडियो को, प्लीज़ लाइक ज़रूर करते करो ना, लाइक नहीं करते आप लोग बिल्कुल भी। डीमोटिवेट हो जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ यार मैंने बना ली वीडियो भी किसी को पसंद नहीं आती, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करे करो, कमेंट्स करे करो, और अच्छे 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 कि मुझे मतलब दिल खुश हो जाए मेरा पढ़ पढ़ के। और आज सुबह भी बहुत ज़्यादा खुश हुई जब कमेंट्स आए ना, दी आपकी वॉइस नहीं है आपकी, आप अपने आप मतलब बोले करो, आपकी वॉइस डाले करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो फिर से शुरू हो गई मैं, चलो कल मिलती हूँ, तब तक के लिए कल के लिए बातें छोड़ देते हैं, कल तक के लिए बाय बाय, चेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, चेक केयर। हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो और हेल्दी जियो।